दोस्तों आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन की जरूरत पड़ती है, तो उसकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, हम समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते हैं। तो अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको बीटमार्क की और शेक इफेक्ट की और PNG इमेज की, इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन से आपको अलर्ट मोशन में इस तरह से वेरीफाई यानी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर इस तरह से आपको डाउनलोड करते नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो उस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मात्र 1 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, हिंदी में स्पष्ट लिखा है इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। वो वीडियो देख लेना और इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेगा दोस्तों बीट मार्कअप रीथ्रेडिंग्स पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्कअप पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना, प्लस पर क्लिक कर देना, उसके बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऊपर मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला दोस्तों देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। मीडिया पर क्लिक कर देना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके फोल्डर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेना जिस फोल्डर में आपके इमेज यानी फोटो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर अंदर हो इमेज आपके तो इस तरह खिसका के अंदर से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अगर यही इमेज आपको चाहिए मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम पर जाकर रितेश एडिटिंग सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना। और आपको यहाँ पर फील्ड कॉन्फर्मेशन एरिया का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला 5-6 नंबर पर, या आप यहाँ से गिन भी सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना, कुछ इस तरह से अपना इमेज फुल साइज में हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। इस तरह खिसका के आपको लास्ट तक आ जाना। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें इंस्टाग्राम पर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस तरह से आपको लास्ट का जाना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना खाली जगह में, आपको टच कर देना और इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम वापस चले जाना, ठीक है। फर्स्ट टाइम आ जाना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा इस इमेज पर क्लिक कर देना, ठीक है। इमेज पर क्लिक कर देना और आपको मूव द ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला दोस्तों देख लीजिएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से उंगली से आपको दबाना और इस इमेज को पहले तो थोड़ा सा आपको इस तरह खींचना है, ठीक है। इस साइड खींच लेना इस तरह से, ठीक है, इतना खींच लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस दिखाई देगा, ये वाला दोस्तों, ठीक है। आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना, प्लस पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से आपको आधा चले जाना, ठीक है। इस तरह देख लीजिएगा, मान लीजिए आपका वीडियो है 23 सेकंड तक, ठीक है। तो आप 12 सेकंड तक आ जाना, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा, इस तरह से मैं 12 सेकंड तक आ जाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मतलब आधा आ जाना आपको, इस तरह से 15, ठीक है, और ये 14 और ये 13, ठीक है, चलो 13 चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से दबा के आपको इस तरह खींचना, ठीक है, इस तरह दबा के खींचना, इस तरह इतना खींच लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कर लग जाएगा और इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से वापस इस तरह से खींचना, ठीक है, इस तरह से इतना आपको सेट कर देना उसको, देख लीजिएगा इस तरह सेट कर लेना। उसके बाद आपको खाली जगह में टच कर देना और आपको इस तरह फर्स्ट टाइम चले जाना, ठीक है। तो ये अपना देख लीजिएगा मूव होना चालू हो गया फोटो, ठीक है, इस तरह मूव हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम चले जाना और आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन मिलेगा एरो का, इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर PNG इमेज का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना और आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी 3 लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला तीसरे नंबर पर, ठीक है। आपको कॉपी 3 लेयर्स पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला उसको देख लीजिएगा ऊपर कोने में, आपको इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस एरो पर क्लिक कर देना है।
एरो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर बीट मार्क बाय रिटेल हेडिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्क पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना। देख लीजिएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट थ्री लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस तरह पेस्ट कर देना। इस तरह पेस्ट हो चुका, उसके बाद इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। इस तरह लास्ट तक आ जाना, उसके बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना। तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका कलर चेंज करना चाहते तो आपको यहाँ पर कलर द फिल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद खाली जगह पर टच कर ताकि कपड़े से मैचिंग हो कलर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट बाय रिटेल हेडिंग्स पर क्लिक कर देना, ठीक है। शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करना। उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी कर लेना। और आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर एक बार क्लिक कर देना और एक बार और कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर बीट मार्क बाय रिटेल हेडिंग्स पर क्लिक कर देना, क्लिक करने बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा एरो का, देख लीजिएगा, आपको इस एरो पर एक बार क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा 0.10, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह पेस्ट लेयर कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेते दोस्तों, आपको इस पर वापस क्लिक कर देना, क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अर्ड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। अर्ड इफेक्ट पर क्लिक कर देना और इस तरह खिसका के नीचे चले जाना और आपको यहाँ ओपेसिटी विलिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लिंक नाम का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। ब्लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना, उसके बाद इसको खींच के आपको लास्ट तक इस तरह से लास्ट तक खींच लेना, ठीक है, इस तरह से दबा के। उसके बाद आपको खाली जगह में टच कर देना, उसके बाद इस पर वापस क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लिया ब्लेंडिंग द ऑपोसिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको देख लिया कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा ये वाला चौथे नंबर पर, ठीक है। पहला नॉर्मल डार्क एंड लाइट एंड और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पहले नंबर पर और लेयर पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर, ठीक है, आपको कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद आपको खाली जगह में टच कर देना और ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना, ठीक है, और एक बार और कर देना और एक बार और कर देना, ठीक है, और यहाँ तक आ जाना 2.16। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से आपको इस तरह से आपको आगे आ जाना, देख लीजिएगा कितने मार्क छोड़ देना, 1, 2, 3, ठीक है, 3 मार्क छोड़ देना और यहाँ तक चौथे मार्क तक आ जाना 4.21 तक, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। फिर से आपको ये वाला देख लिया 3 मार्क छोड़ देना और यहाँ पर चौथे मार्क तक आ जाना 6.27। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। फिर से आपको इस तरह से दोस्तों 4-4 मार्क आपको, सॉरी 3-3 मार्क छोड़ के आपको चौथे मार्क में ये वाले इफेक्ट आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर भी डेली वीडियो अपलोड होते हैं अपने, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आपके 4 मार्क छोड़ने के बाद आपको इस तरह से आपको आगे आ जाना, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं आपको इस तरह से सॉरी आपको यहाँ तक आ जाना, ठीक है, यहाँ तक 15.19 को। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, इस प्लस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ये वाला शेप मिल जाएगा, इस शेप पर क्लिक कर देना और 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर फिल कॉम्प्रमेशन एरिया 5 नंबर पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस कलर पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, इस तरह सिलेक्ट कर लेना, खाली जगह में टच कर देना और इस तरह थोड़ा सा ही आपको आगे आ जाना, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ही इस तरह से हल्का सा आगे आ जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, इस पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर कट कर देना और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों ब्लेंडिंग द ऑप्शनिटी, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर ओवरले पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। फिर से आपको अगले पर क्लिक कर देना 16.22 वाला और यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट पर कर देना और यहाँ पर देख लीजिएगा 17.9 इसमें भी ये वाले आपका इफेक्ट पेस्ट कर देने, पेस्ट कर देना। उसके बाद इस तरह से आपको आगे वापस आ जाना, ठीक है, देख लीजिएगा इस तरह यहाँ तक आ जाना। उसके बाद यहाँ पर इस पर वापस क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी कर लेना और आपको खाली जगह में टच कर देना और इस तरह से आपको आगे आ जाना दोस्तों, देख लीजिएगा इस तरह से आपको आगे आ जाना यहाँ तक, देख लीजिएगा
17.25 तक आ जाना, उसके बाद जे वाला ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद इस तरह से देख लीजिएगा 3 मार्क को आपको छोड़ देना और यहाँ तक आ जाना, आपको देख लीजिए 20 सेकंड आपको यहाँ पर, सॉरी 20 सेकंड, हाँ यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है 20। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से आपको ये वाला 4 मार्क छोड़ देना और यहाँ तक आ जाना 22.6, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर लेना और यहाँ पर देख लीजिएगा अपना पेस्ट हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर कट कर देना, ठीक है, इस तरह कट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट बाय रिटे एडिंग, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पहले नंबर पर आपको दबा रखना, ठीक है, और दूसरे नंबर क्लिक कर, तीसरे नंबर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तीसरे नंबर आपको कॉपी कर लेना और आपको यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, इस क्रॉस पर क्लिक कर देना और आपको इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको बीट मार्कर बाय रिटे एडिंग, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्कर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा इस तरह से आपको आगे आ जाना यहाँ तक, यहाँ पर 1.13 आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना, इस तरह जैसे पेस्ट कर दोगे तो आपके ये वाला इफेक्ट इस तरह से तीनों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 मार्क में जो अपन ने इफेक्ट ऐड के लिए इसको छोड़ देना और यहाँ पर देख लिया यहाँ तक आ जाना 3.19, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला 3 मार्क छोड़ देना और देख लिया ये वाला, ठीक है, ये 1 मार्क छोड़ देना, इन्हें तीनों में लग गए, ये एक पास पास में इनमें लग गए और ये वाला मार्क छोड़ देना और आपको यहाँ तक आ जाना, ठीक है, इसमें पेस्ट कर लेना। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको टाइमिंग यह दिख रहा 5.25, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर लेना। उसके बाद इस तरह से आपको आगे आ जाना यहाँ तक 8, ठीक है, 8 कितने दिख रहे 8 सेकंड, ठीक है, इसमें ऐड कर लेना। उसके बाद इस तरह से देख लीजिएगा यहाँ तक आ जाना 10.6, इसमें भी पेस्ट कर लेना, इस तरह पेस्ट कर ले, फिर से आपको यहाँ तक आ जाना 12.11, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर लेना, इस तरह से दोस्तों आपको लास्ट तक पेस्ट कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेता हूँ, देख लीजिएगा दोस्तों 14.17, ठीक है, इसमें भी ऐड कर लेना। उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला अपना ये वाला इफेक्ट इसमें तो ऐड है, ठीक है, ऑलरेडी इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, और आपको इस तरह से आपको आगे आ जाना दोस्तों, देख लीजिएगा आपको यहाँ तक आ जाना है 18.28, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद ये वाला इसमें ऐड है तो अपने 21.3, ठीक है, इसमें पेस्ट कर लेना और दोस्तों देख लीजिएगा आपको ये वाला भी लास्ट वाला बचा, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट कर देना, इस तरह पेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो अपनी बन के रेडी हो चुकी, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और स्पॉट पर क्लिक कर देना है, तो वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।